कोरोना वायरस से पूरा देश दहल उठा है। विदेशी देशों के बाद अब कोरोना ने भारत सहित महाराष्ट्र में अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। ऐसे में शहर की जनता में भय का वातावरण फैला है, मगर जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे इन्होंने बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है। अभी तक शहर में कोई भी कोरोना पीड़ित पेशेंट नहीं मिला, मगर इसे निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। प्रशासन की ओर से विमानतल पर जाँच शुरू कर दी है, साथ ही मेडिकल व मेयो में विशेष रूम भी तैयार किए गए। कोरोना के बारे में मैं ये आपके माध्यम से सारे नागपुर के नागरिकों को बताना चाहता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में एक पैनिक सिचुएशन जो है हमारे यहाँ पे ना हो, ये सबसे पहली और सबसे बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ पे अभी तक जो हमने 39 जो सस्पेक्टेड लोग थे उनमें से सिर्फ 3 लोगों का ही जो सैंपल है जो इसके लिए टेस्ट करने के लिए लिया गया वो भी निगेटिव आया है। तो हमारे यहाँ पे एक भी पेशेंट आज तक जो है वो पॉजिटिव नहीं मिला है। तो इसके बारे में किसी ने भी आशंका ना रखे और पैनिक की सिचुएशन जो है क्रिएट ना करें। इसके अलावा कल से जो है केंद्र शासन और राज्य शासन की गाइडलाइन के मुताबिक एयरपोर्ट के ऊपर में हमने जो अभी NDRF और एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ और हमारी जो यहाँ की जो संस्थाएं हैं GMC IGMC हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब का पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट और इसमें जो बाकी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके माध्यम से कुछ टीम्स बनाई हैं। और ये टीम आज सुबेरे उन्होंने एयरपोर्ट पे जो फॉरेन की जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती है उसके पेशेंट्स को उन्होंने वहाँ के जो पैसेंजर्स हैं उनकी जांच उन्होंने करवाई है। तो अभी तक तो कुछ ऐसे पाया नहीं गया है इसके लिए, लेकिन व्यवस्था और ये भी करके रखी है कि जो GMC और IGMC के अंदर में आज की तारीख में लगभग 35 पेशेंट्स की रखने की व्यवस्था हमने की है, जो हम लोग नज़दीक के भविष्य में उसको लगभग 100 के करीब लेके जा रहे हैं। हम ये चीज़ इसलिए करके रख रहे हैं कि अगर कहीं पे भी अगर आउटब्रेक होता भी है तो हम लोग उस समय पे एक प्री प्लानिंग जो है वो करवा के रख रहे हैं। लेकिन बाकी आज के तारीख में इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। और अगर कहीं पे जो मास्क की जो बात चल रही है और बहुत से लोग मास्क खरीदी कर रहे हैं उसकी तो कुछ भी आवश्यकता नहीं है। ये मास्क की ज़रूरत जो है सिर्फ डॉक्टर लोग जो वहाँ पे OPD में बैठते हैं और जहाँ पे इन्फेक्टेड लोग आते हैं तो वहीं पे सही में उसकी ज़रूरत है डॉक्टर्स को। बाकी हम लोग जो है जिनका कांटेक्ट इन्फेक्टेड लोगों से बहुत कम समय रहता है उसकी ज़रूरत भी नहीं है। इसमें सावधानी ये बरतनी है कि आज की तारीख में हम लोग जिसको कफ और कोल्ड हुआ या खांसी जुकाम हुआ है तो वो हम लोग बोल नहीं सकते कि वो कोरोना से है या और नॉर्मल दूसरे कोई वायरस से है। तो लेकिन सावधानी ये बरतनी है कि ये आदमी जब भी वो कफ और कोल्ड स्नीजिंग करता है तो उसने खुद जो है मुंह पे अपना रुमाल वगैरह रखना ज़रूरी है। और उसके आजू बाजू में अगर हम 3 फीट की दूरी रखते हैं तो हमको किसी को इससे संसर्ग नहीं होगा। होली को देखते हुए उन्होंने जनता से अपील की है कि वे होली सूखे रंगों से खेले।